हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आज हम ये बात करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। आजकल आप लोग भी सुन रहे हो और बहुत डिस्कशन हो रहा है न्यूज चैनल पे, बहुत सारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी से ही हम लोग बच सकते थे, हम लोग ठीक हो सकते थे और बॉडी इम्यूनाइज हो सकती थी और नेचुरली हम इससे फाइट कर सकते थे कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। लॉकडाउन की या इस तरह की चीज़ें जो हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हर्ड इम्यूनिटी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, जब कोई भी महामारी आती है या कोई भी इस तरह के इन्फेक्शंस आते हैं तो वो यदि हम फ्रीली उसको छोड़ दें तो जो भी सोसाइटी है उसका 60% लोग यदि इन्फेक्टेड होंगे तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और सोसाइटी उससे फाइट कर पाएगी, बच पाएगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों पे लागू होता है कि जहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे हेल्थ स्टैंडर्ड के साथ हैं, पहली बात, और दूसरा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यंग है। सो हमारे देश में पहली बात तो ये है कि हर एज ग्रुप का इंसान है, और दूसरी बात ये है कि इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ का एक स्टैंडर्ड यदि हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। टोटल जो आबादी है उसके 20% लोग किसी ना किसी बीमारी के साथ हैं, किसी ना किसी ऑटो इम्यून बीमारी के साथ हैं या किसी ना किसी डेफिशिएंसी के साथ वो डील कर रहे हैं। जेनेटिक बीमारियों को छोड़ भी दिया जाए तो लाइफ स्टाइल डिसीज इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, लाइक डायबिटीज है, आपका ओबिसिटी है, आपका ब्लड प्रेशर है और दूसरे बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो इंडिया में कॉमनली हैं और सबसे ज़्यादा हैं। तो जो सोसाइटी या जो कंट्री का 20% पॉपुलेशन किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है तो वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक मुझे समझ आता है। तो हर्ड इम्यूनिटी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होता या हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ लेते, इस तरह की बातें करना मेरी समझ से परे है। बट ठीक है, सब लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों का अपना ये मानना हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आजकल कुछ भी बोल देते हैं और लोगों को एक कन्फ्यूजन और एक मिसकंसेप्शंस वो पैदा कर रहे हैं। COVID-19 से बचने का जो तरीका है वो यही तरीका है कि प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस प्लस राइट मैनेजमेंट एंड द राइट केयर आफ्टर, यदि कोई बीमार हुआ है तो उसके बाद। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तीन लेवल पे इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी ठीक है, ग्रेजुअली वो डेवलप होगी, लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप भी हो रही है और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ रहा है कि लोग ठीक हो रहे हैं, लोगों के बीच में ये इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, बॉडी उससे फाइट करना सीख रही है। दे आर सम मेडिसिंस आर वर्किंग ऑन दैट, हम बेटर मैनेज कर पा रहे हैं COVID-19 की बीमारी को, उस पेशेंट को। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है आज भी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का कॉन्सेप्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वही रास्ता है, वही समाधान है। प्रिवेंशन की बात करिए, प्रिवेंशन के बारे में सोचिए, प्रिवेंशन के बारे में पढ़िए और बीमार होने से पहले जो बचने के उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय करिए। अब बीमार होने के बाद में एक मैनेजमेंट है, वो एक अलग चीज है, बट प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन में वही तीन पॉइंट आपके आते हैं। सबसे पहले क्या सावधानी आपको बरतनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन मतलब हाथ अच्छे से वॉश करने साबुन से या कोई भी अल्कोहल बेस्ड जो आपके पास सैनिटाइजर उससे कर सकते हैं। तीसरी बात यह है इसमें इम्पॉर्टेंट कि आपको डिस्टेंस बना के रखना है, अननेसेसरी भीड़ के साथ नहीं इंटरेक्ट करना। अब बात आती है कि हम अपने को नेचुरली कैसे इम्यूनाइज कर सकते हैं। हमारा जो फूड है उसमें हमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारा फूड ही हमारी इम्यूनिटी है और हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन है और हमारा फूड ही हमारा बचाव करेगा। तो फूड में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं, मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, आधा घंटे सनलाइट में रहें। यदि आप ये कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि ये नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग द क्लिनिकल डेटा 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए वीक में एक सैचेट यानी विटामिन डी का कोई भी पाउडर लाइक कैल्सिरॉल आप मिल्क में 50 ml मिल्क में डिजोल्व करके पिए 12 वीक्स मतलब 3 महीने तक, तो ये एक सप्लीमेंटेशन ऑफ द विटामिन डी हो जाएगा और आप में डेफिशिएंसी तो वो कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है विटामिन सी, 1 tablet डेली फॉर द 15 days, और सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं आप, उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा। सो आपका जो फूड है आप उसको करेक्ट करिए, स्लीप को करेक्ट करिए, प्लस स्ट्रेस मत लीजिए, और जो प्रीकॉशंस लेनी है वो आपको सावधानियां लेनी ही होंगी, प्रिवेंशन,
मैनेजमेंट रखना ही होगा, उसी से आप बच सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी आपका जीवन नहीं बचा सकती है और हर्ड इम्यूनिटी आने का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी इंडिया के लिए कोई ट्रीटमेंटल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के सहारे यदि हमने अपने आप को छोड़ा तो 12-15% टोटल लोग मर सकते हैं, और जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी है वो हाई रिस्क पे हैं, यानी 20% पॉपुलेशन यदि एक्स वाई जेड प्रॉब्लम के साथ है इंडिया में, तो 20% में से 50% लोग मर जाएंगे हर्ड इम्यूनिटी के सहारे। तो हर्ड इम्यूनिटी के सहारे आप अपने को नहीं छोड़ सकते। मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, विटामिन सी एंड विटामिन डी अपने फूड में शामिल करिए। आई अश्योर यू, आई गारंट यू, आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, और यदि हुआ है तो आप नेचुरली रिकवर कर जाएंगे, नेचुरली ठीक हो जाएंगे इन 2 वीक्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।